Hello guys, so this is our first video of the DSA sheet solution by Lab Barber. And today we are going to solve the first question, reverse the array or reverse the strings. Both are the same, and here if we click this link, so it will go to the reverse the string. So both the concept are same. दोनों में हम लोग सेम ही चीज करना है, मतलब कि अगर एरे और स्ट्रिंग है दोनों हमको एक ही काम करना है। एक स्पेशल फीचर्स ये है कि स्ट्रिंग एक लास्ट कैरेक्टर जो होता है वो नल कैरेक्टर होता है। सपोज करें कि अगर यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं, सपोज करते बेसिक है, तो बेसिक का टोटल 5 कैरेक्टर है, तो बेसिक का जो लेंथ होगा वो 5 होगा, लेकिन अगर इसको स्टोर करना है तो टोटल हमको 6 साइज का अगर हमको स्ट्रिंग लेना, क्योंकि जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो नल कैरेक्टर होगा। और अगर कहीं भी हम लोग आइट्रेशन वगैरह करते हैं तो वो लास्ट कैरेक्टर से एक पहले तक आइट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्वेश्चन को हमको रिवर्स करना है, तो कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हम लोग दो पॉइंटर लेंगे, एक पॉइंटर यहाँ पे इस लास्ट कैरेक्टर पे लेंगे और एक पॉइंटर इस लास्ट कैरेक्टर के एक कैरेक्टर पहले लेंगे। मतलब पहला पॉइंटर जो इंड कैरेक्टर वो लास्ट पॉइंटर के एक पॉइंटर पहले, मतलब सपोज करो कि यहाँ पे टोटल 7 कैरेक्टर है रिवर्स में, तो हमको अगर ई पे लेना है एक पॉइंटर, मीन्स जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 7 हो गया एंड 7-1 6 पे, क्योंकि 0 इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो यहाँ पे 6 पे लेना है, और जो स्टार्टिंग कैरेक्टर वो तो 0 है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक इंट आई इक्वल टू 0 पे ले लेते हैं, मतलब सपोज करो यहाँ पे आर पे ले लिए i equals to 0 पे, and int j equals to length dot तो दो पॉइंटर ने ले ली, एक रिवर्स पे और एक लास्ट पॉइंट e पे ले ली। तो यहाँ पे i आ गया इस फर्स्ट पॉइंट, इस फर्स्ट कैरेक्टर पे i आ गया, और ये लास्ट इस लास्ट कैरेक्टर पे j आ गया। अब हम लोग सिंपली हम लोग स्वैप करना है, जो रिवर्स वर्ड है इसको बस एक एक हर एक कैरेक्टर को इसको हमको स्वैप करना ताकि वो रिवर्स हो जाए। मीन्स अगर जो ये ई है, ये ई को हमको क्या करना है, स्वैप करना फर्स्ट कैरेक्टर से, और आर को स्वैप करना है ई से, मतलब आर जहाँ पे ई का जगह वहाँ पे आर आ जाएगा, जहाँ पे आर का जगह वहाँ पे ई चल जाएगा। तो उसके लिए सिंपली हम लोग एक लूप चलाना पड़ेगा, और वो लूप का कुछ कंडीशन होगा, कंडीशन बाद में बताते, पहले एक लूप चलाएंगे, उसका कुछ कंडीशन होगा। और इसमें हम लोग करना क्या है कि जो ये कैरेक्टर है इसको लास्ट कैरेक्टर से स्वैप कर जाना है, और फिर आगे बढ़ते जाना है, फिर आगे बढ़ते जाना है, और इसमें कुछ कंडीशन भी लगाना पड़ेगा, वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम ये करते हैं कि स्वैप कर देते हैं str ऑफ 0 कॉमा str ऑफ i एंड str ऑफ j। और अब हम लोग को कुछ कुछ कंडीशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये रहेगा कि अगर यहाँ पे इस स्ट्रिंग का लेंथ अगर इवन है, मीन्स सपोज करते हैं अगर 6 का साइज का लेंथ है, तो उसमें 6 का जो मिड पॉइंट होगा वो तो एक इवन नंबर का ही आएगा, 6 के बाद वो एक ऑड नंबर आएगा। मीन्स सपोज करते हैं जैसे कि यहाँ पे तो टोटल 7 है, तो यहाँ पे तो वैसा एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो जैसे यहाँ इसका अगर हम लोग मिड लेते हैं तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो 0 1 2 3 ये आ गया। लेकिन वही अगर जब इवन नंबर रहता, ये एग्जांपल तो वैसा नहीं है, तो जो भी इवन नंबर मतलब रहता जब भी, तो उसका जो मिड पॉइंट होता है वो 2 हो सकता था। मीन्स अगर हम लोग मिड पॉइंट देंगे तो आएगा तो एक ही, लेकिन वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं होगा, वो एग्जैक्ट मिड पे नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो इक्वल पार्टीशन दोनों तरफ नहीं होगा अगर इवन नंबर है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का यूज करेंगे, मीन्स अगर जब तक ये आई जो है सो लेस देन इक्वल्स टू जे है, तब तक हम लोग ये ऑपरेशन करते रहेंगे। क्या ऑपरेशन करते रहेंगे कि स्वैप करते रहेंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब एक बार ये आर ई से रिप्लेस हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ा देंगे, ताकि फिर ये ई भी इस एस से रिप्लेस हो जाएगा, फिर ये इसी तरह वी जो है इस आर से रिप्लेस हो जाएगा, एंड देन जब आई को स्टूडियो हो जाएगा तो फिर ये लूप ओवर हो जाएगा, एंड फिर रिटर्न कर देगा जो स्ट्रिंग हम लोग रिवर्स स्ट्रिंग को फिर से रिवर्स करके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आई को आगे बढ़ाएंगे, आई को आगे बढ़ा दिए, जे को पीछे बढ़ा रहा है, जे को इधर पीछे बढ़ा रहा है, ताकि फिर ये पीछे आते जाएगा, ये आगे आते जाएगा, तो जे को पीछे बढ़ा रहे हैं तो ये माइनस माइनस, और यहाँ पे ये कंडीशन। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग जब सारा स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा तो इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको फिर से मैं एक बार समझा देते हैं इस कोड पे, तो एक बार पहले कंपाइलर रन करके देख लेते हैं क्या रन हो रहा है। सो कंपाइलेशन एरर योर आउटपुट एंड कंपाइलेशन एरर, ओके 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 ओके, सो आई एम डूइंग समथिंग लॉन्ग, ओके ओके, lngth it's okay, it's my fault, so I think it will be correct. Okay,
सो फिर से समझा देते हैं पहले क्या हुआ इसमें। इसमें बेसिकली हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक योर है, तो ठीक है ये योर है, तो इसको हमको रिवर्स करना है। तो इसको रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक पॉइंटर यहाँ पे स्टार्टिंग में लिए हैं आई इक्वल टू जीरो, मीन्स यहाँ वाई पे एक पॉइंटर आई का वैल्यू लगा दिए, और एक जे एस टी आर लेंथ, इसका लेंथ कितना होगा चार फोर होगा, और जीरो बेस्ड इंडेक्स इसलिए हम लोग माइनस वन पे किए क्योंकि जीरो बेस्ड है, जीरो वन टू थ्री जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है स्ट्रिंग और एरे, तो जीरो वन टू थ्री हो गया, तो थ्री लेंथ इसका कितना है फोर, वन टू थ्री फोर का लेंथ है ना इसका माइनस वन टू थ्री, तो यहाँ पे आ गया जे। और हम लोग फिर क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप चलाएं, ऐसे फॉर लूप हम लोग यूज कर सकते थे, और जब तक आई जो से लेस देन इक्वल टू जे है, तो मीन्स आई इज लेस देन इक्वल टू जे मीन्स वो कंडीशन हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले नॉर्मल जो ये ऑपरेशन अंदर का वो हम बता देते हैं, फिर कंडीशन समझ में आ जाएगा कि क्यों वो हम कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू जे लगाए। तो आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, हम क्या किए कि इसको इससे स्वैप कर दिए, मीन्स वाई यहाँ पे आ गया आर, आर फर्स्ट में आ गया वाई लास्ट में चला गया। फिर क्या हुआ कि अब आई को हम एक बार आगे बढ़ा दिए, तो आई यहाँ पे एक बार आगे बढ़ गया और जे को एक बार पीछे बढ़ा दिया, मीन्स अब आई जो है सो ओ पे है और जे जो है सो यू पे है। फिर क्या किया दोनों को स्वैप कर दिए, दोनों को स्वैप कर दिए। अब क्या आई इज इक्वल टू जे हो सकता है, नहीं, अगला केस कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो फिर ये आई इज लेस देन जे एक्सिक्यूट हो गया, एंड देन क्योंकि यहाँ आई इज लेस देन इक्वल टू जे है तो फिर ये लूप से ओवर हो जाएगा एंड यहाँ पे निकल गया, और फिर लूप से लोग निकल गए और फिर इन क्या स्ट्रिंग को रिटर्न कर दी, तो फाइनली जो इसका आउटपुट होगा सो क्या होगा, आर स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद फिर यू आएगा, फिर ओ आएगा एंड देन फिर वाई आएगा, तो सिमिलरली रिवर्स हो गया। सो हम लोग सबमिट करते हैं इसको। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग अपडेट्स, एंड आई विल बी देयर सून विथ ऑल द 450 क्वेश्चन वन बाई वन इन दिस चैनल। थैंक यू गाइज़।